जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि हम लोगों ने मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूरा देख चुके हैं। जितने चैप्टर निर्धारित किए थे हम लोगों ने फर्स्ट उनसे लगाकर पूरे एंड तक देख चुके हैं। और आपको बता दें मध्य प्रदेश पूरा सामान्य ज्ञान खत्म होने के बाद हम लोगों ने अभ्यास माला एक जिसमें लगभग 200 के करीब क्वेश्चन थे और अभ्यास माला दो जिसमें 100 के क्वेश्चन के करीब इसमें क्वेश्चन थे उनके आंसर क्वेश्चन सब कुछ देख चुके हैं। ये सभी मध्य प्रदेश से संबंधित है जो ये कह सकते हैं कि उनका निचोड़ है। जो हम लोगों ने शुरू में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान देखा है पूरा उसका निचोड़ है क्योंकि इसी में से लगभग बहुत क्वेश्चन आपके आ जाते हैं मेन मेन क्वेश्चन। तो तीसरी जो अभ्यास माला बची हुई है उसे भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड कब गठित किया गया मध्य प्रदेश, तो याद रखिए इसका है 2004 ए ऑप्शन है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सड़कों का निर्माण किस मद से किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है एशियन विकास बैंक से द्वारा रेड द्वारा ब्रांड बीओटी से द्वारा केंद्रीय सहायता व मंडी सड़क निधि से संबंधित, तो इसमें डी ऑप्शन है उक्त सभी से। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आपको याद रखना है NH76 है और सबसे बड़ा कौन है NH3। फिर देश की सड़कों की कुल लंबाई में ग्रामीण मार्ग का हिस्सा कितना है, तो आपको याद रखना है 68%, ये ऑप्शन है 4 का। पांचवा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश घाटी विकास 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 विभाग का गठन कब वर्ष में हुआ, कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1969 में। मध्य नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण कब गठित किया गया, तो आपको याद रखना है 1969 में। याद रखना नर्मदा घाटी विकास विभाग का गठन 1969 में हुआ और नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन भी 1969 में ही हुआ। सातवां क्वेश्चन नर्मदा घाटी परियोजना के संबंध में असत्य कथन है, परियोजना 27.5 लाख हेक्टर सिंचाई क्षमता की होगी, परियोजना 2383.4 मेगावाट विद्युत उत्पादन करेगी, सरदार सरोवर में से मध्य प्रदेश को 18.25 MAF जल मिलेगा, महेश्वर परियोजना खंडवा जिले में है, तो इसमें है सी ऑप्शन है 3 और 4 गलत है, ठीक है 1 और 2 सही है। फिर आठवां क्वेश्चन है जल विद्युत युक्त परियोजना है, तो याद रखना तावा और बरगी। फिर है नौवां क्वेश्चन हमारा कौन सा है नौवां, निम्न परियोजनाओं व संबंधित स्थल में असंबद्ध है, गलत कौन सा है, तो नौवां का है संजय सरोवर बालाघाट में, वाण सागर देवलोक में, सम्राट अशोक सागर ये विदिशा में, डी ऑप्शन है इसमें राजीव सागर होशंगाबाद में नहीं है, नौवां नौवे का डी है। अब दसवीं की बात करते हैं निम्नलिखित में सर्वाधिक सिंचाई क्षमता वाली परियोजना है, तो आपको याद रखना बी ऑप्शन है 10 का बरगी परिवर्तन परियोजना, ठीक है। फिर 11वां क्वेश्चन हमारा निम्न परियोजना व संबंधित जिले में असंबद्ध है, तो 11 क्वेश्चन ऊपरी नर्मदा डिंडोरी से संबंधित है, निम्न गोई बड़वानी सी ऑप्शन है हालोद हरदा नहीं है पुनासा खंडवा से, तो 11 का सी है। 12 सुंगुलू सबती का संबंध था, तो आपको याद रखना है ये सरदार सरोवर बांध से सुंगलू समिति कैसे संबंधित थी सरदार सरोवर बांध से। 13वां क्वेश्चन विदेश में नौवाहन परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है, 13 का है नर्मदा नदी पर। 14वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र के तहत प्रस्तावित जल विद्युत केंद्र है, तो आपको याद रखना है कोडरिया व लक्ष्मण मांडव और कचरा टोला डोकर घाट व कंचन गांव, इसमें ए ऑप्शन है 1 और 2 सही है, हंडिया बोरास गलत है और गोपालपुर महेश्वर ये भी गलत है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 14 में ए ऑप्शन सही है।
अगला 15, नर्मदा नदी कछार में मध्य प्रदेश में कितने जिले स्थित हैं? तो याद रखना है आपको कितना है, 15 का बी, 23, 15 का बी है, 15 का बी है, याद रखना 23। फिर 16, नर्मदा नदी के जल से प्रदेश में कितनी सिंचाई क्षमता विकसित की गई है? तो आपको याद रखना है 5.9 लाख हेक्टर, ये ऑप्शन सही है। 17, निम्न में से जल विद्युत उत्पादन में किस इकाई में है? तो यह तावा परियोजना, 17 का ए। 18, सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित पुरातात्विक स्मारकों को कहाँ संग्रहित किया गया? वो आपको याद रखना है कसरागांव संग्रहालय खरगोन, बी ऑप्शन सही है। 19 का, निम्न आयोजनों व स्थलों में असंबद्ध है राष्ट्रीय रामलीला मेला, ओरछा में तुलसी जयंती समारोह, चित्रकूट, नेपाल उत्सव, महेश्वर में तुलसी उत्सव, ग्वालियर में नहीं होता है, डी ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन है 19 का। 20, मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो थाना कहाँ बनाया गया? तो आपको याद रखना 20 का है ए, 20 का कौन है बी, सॉरी भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहला मेट्रो थाना कहाँ बनाया गया? भोपाल में। 21 है, निम्न में से किस खनिज के भंडारण में प्रदेश का शीर्ष स्थान है? तो ये आपको याद रखना है पायरोफिलाइट। फिर 22वां क्वेश्चन, कौन सा 22वां, 22वां है, खनिज व शीर्ष उत्पादन जिला में असंबद्ध है फायर किलिंग शहडोल ग्वालियर कटनी सिलेट मंदसौर, पायरोफिलाइट टीकमगढ़ छतरपुर सिकटी, उच्चतम बॉक्साइड किस्म अनूपपुर, डी ऑप्शन है इसमें। ठीक है, 23, मध्य प्रदेश में ग्रेनाइट के भंडार वाला जिला नहीं है, तो इसमें शहडोल, 23 का डी है, याद रखना है पन्ना टीकमगढ़ छतरपुर है, शहडोल नहीं है। फिर 24वां क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ संगमरमर के भंडार नहीं है? तो आपको याद रखना है 24 का सतना रीवा, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसमें है। कटनी जबलपुर में है, नरसिंहपुर हरदा झाबुआ में, मंडला सिंगरौली में, सतना रीवा में नहीं है। फिर 25वां, भूषण प्रसंग समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 25 पन्ना। 26, ताप विद्युत केंद्र कहाँ नहीं है? तो आपको याद रखना है सीधी में नहीं है, बैतूल शहडोल उमरिया में सीधी में नहीं है। 27, मार्बल की सर्वाधिक उद्योगों वाला जिला है? तो आपको याद रखना है कटनी, ये ऑप्शन है। प्रदेश के उद्योगों व स्थलों स्थल के जोड़ों में असंगत है, तो 28 का सेरेमिक्स रतलाम जबलपुर, कास्टिक सोडा रतलाम शहडोल व खंडवा, पर्टी उद्योग उज्जैन ग्वालियर इसमें है। 28 में डी, टाइल्स एंड वैक्स से पूरी छतरपुर नहीं है, डी ऑप्शन है 28 का। अब लोग हम बात करते हैं 29वां, मध्य प्रदेश में हीरे की खोज हेतु अधिकृत कंपनी नहीं है? 29 तो रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं है, रियो टेंटो है, डी वी एस कंपनी है, एंड एम डी सी भी है। फिर 30वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का गठन कब हुआ? तो आपको बताना है 1980 में। 31 क्वेश्चन, निम्न सेजन फीट व स्थल में असंबद्ध है? आपको बताना है प्रेमचंद सेजन पीठ उज्जैन है, मुक्तिबोध सेजन पीठ सागर, निराला सेजन पीठ भोपाल, और बाल साहित्य सेजन पीठ जबलपुर नहीं है, 31 का डी ऑप्शन है। राम वन संग्रहालय कहाँ असंबद्ध है? तो आपको बताना है 32 का है बी, सतना। संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आपको 32 का बी है, 33 का बी है, ग्वालियर। संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ है? ग्वालियर में। 34, 2012 में इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है इंदौर। 22वां, तो आप सिंगरौली। मध्य प्रदेश में प्रथम राज्यपाल कौन है? तो आपको बताना है बी ऑप्शन सही है, पट्टाभी सीतारामैया। 37,
37 मतभेद संबंधित जानकारियों के जोड़े में बीमेल है, गलत है। मसांड्य गायन निवार से संबंधित है, सही है। आला गायन बुंदेलखंड। ग्रामोदर विश्वविद्यालय चित्रकूट में, कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है पहला, ठीक है। डी ऑप्शन है गलत। रे 38 मध्य प्रदेश के पौराणिक ऐतिहासिक स्थल के जोड़ों में असंबद्ध जोड़ा छांटी, तो 38 बाघ गुफाएं हैं धार में, भरतहरि गुफा सतना में नहीं है। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में, धोगढ़ पचमढ़ी से संबंधित है, तो बी ऑप्शन है 38 का। 39 भगोरिया हाट कहाँ लगता है, तो आपको बताना है सी अलीराजपुर। 39 का सी है। 40 निम्न नगरों के प्राचीन व नवीन नामों में असंबद्ध है, तो 40 महेशमती महेश्वर का पुराना नया नाम है, महेशमती का नया नाम महेश्वर है, चेदी खजुराहो है, वत्स ग्वालियर है, दसपुर। डी ऑप्शन है इसमें, दसपुर गलत है सोहागपुर, ठीक है। 40 का डी। 41 का मध्य प्रदेश में जहांगीर महल कहाँ है, बी टीकमगढ़ में। अब लेकिन याद रखना ओरछा में है, जो निवाड़ी जिले में आने लगा है, ओरछा जिला निवाड़ी जिले में आने लगा है। बेतवा नदी के तटीय शहर हैं, तो आपको बताना है ओरछा। 42 का बी है, ठीक है। फिर आप 43 ग्वालियर दुर्ग का निर्माता कौन है, तो आपको बताना है सूर राजा सूरज सिंह। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश के में कब शुरू हुई, कब आरंभ हुई, 44 में सी 2007। कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय व अन्य सुविधाएं हेतु चलित योजना कौन सी है, तो 45 का है ए सौधार। 40 45 का है ए याद रखना। 40 राज्य में किस खनिज के उत्पादन उत्पाद से सर्वाधिक आय की प्राप्ति होती है, तो आपको बताना है 46 का है कोयला, ए ऑप्शन सही है। मिनरल मिनरल एंड मिनरल बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड SEZ कहाँ प्रस्तावित है, तो आपको बताना है जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में असत्य संबंध में असत्य कथन कौन सा है, राय राज्य में 20 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। हीरा उत्पादन में प्रदेश को देश का एकाधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। सिलेट उत्पादन में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। मध्य प्रदेश में उत्पादन एकमात्र जिला मंदसौर है, गलत है, ठीक है। डी ऑप्शन है 148 का। 149 मध्य प्रदेश की 2011-10-11 की पिछले भाव पर व्यक्ति आय की रही, तो आपको बताना है 49 का ए 32,222 रुपये। 49 का ए ऑप्शन सही है। 50 मध्य प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों की संख्या है, ये बताना है आपको 50 का ए 38। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई मध्य प्रदेश में, 2008 से। मध्य प्रदेश की सामान्य औसत वर्षा है, तो याद रखिए ए 1052 मिलीमीटर। राज्य में धान बुआई का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको बताना है 53 का है ए 16,00,000 हेक्टर। चंबन मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्रफल है लगभग 94,000 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश का कितना हिस्सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण के अंतर्गत है, 55वां क्वेश्चन है, ठीक। तो आपको याद रखना है 10,989 वर्ग किलोमीटर। 56वां क्वेश्चन है प्रदेश में उद्योग संवर्धन नीति कब प्रभावी हुई, तो आपको याद रखना है 2010 में। फूड पार्क तथा स्थल के जोड़े में असंबद्ध है, तो आपको याद रखना है 57 का क्वेश्चन, मनेरी डिंडोरी, ये गलत है। निवरानी खरगोन सही है, जग्गा खेड़ी मंदसौन, बोरगांव छिदवाड़ा, तो 57 में ये ऑप्शन है। 58 कौन सा, 58 क्वेश्चन, 57 का ये हो गया 58।
विदेश को किस खनिज के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त है? नहीं है, प्राप्त नहीं है, प्रथम स्थान प्राप्त नहीं है, तो आपको याद रखना है फायर क्ले में नहीं है। डी ऑप्शन है डायस्पोर ताम्पेस्ट पायरोफ्लाइट में प्रथम स्थान पर, फायर क्ले में नहीं। 59 मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की हुई? 59वां, तो याद रखना है 1998। राज्य जल विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 60 का है, 922.95 मेगावाट। 61वां, 61 मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है सी 20। 62 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का प्रारंभ कब वर्ष है? तो आपको याद रखना है 2000। राज्य का सकल सिंचित क्षेत्र है लगभग, तो आपको याद रखना है 63। बी 7421 हजार हेक्टर। फिर है हमारा 64वां, मध्य प्रदेश के संबंध में असत्य जानकारी है। राजकीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। राजकीय जीडीपी में परिवहन की भागीदारी 3% है। स्टोन पार्क ग्वालियर में है। और जल दीप योजना कृषि विभाग की है। गलत है, डी ऑप्शन है इसमें, 64 का डी है, याद रखना। 65 विदेश की प्रमुख योजनाएं एवं प्रारंभ वर्ष के जोड़े में असंगत है, तो 65 है, 65 का ए स्वामी विवेकानंद करियर, यही है, ए ऑप्शन है इसमें। जल अभिषेक अभियान 2006 में, लाडली लक्ष्मी योजना 2007, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2006। 66वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना कितने जिलों में क्रियान्वित हो रही है? याद रखिए 66 का है सी 14। फिर 67वां है, 67वां है मध्य प्रदेश जिला अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल जातियों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है बी 5। 5 ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का नाम है, तो आपको याद रखना है सी तेजस्विनी, ठीक है। फिर 69 राज्य में पिछड़ी जातियों में शामिल जातियों की कुल संख्या है? 69 बी 91। राज्य में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया था? याद रखिए 4। 71 मध्य प्रदेश में प्रथमतः मानव विकास प्रतिवेदन कब जारी किया गया? याद रखिए ए 1995। 72 है, गलत मेल चुनना है इसमें से, तो आपको 72 का सी ऑप्शन है। राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 72.37 है। राज्य की कार्यशील जनसंख्या 42.7 है। कुल जनसंख्या में कृषक है 52.7 ए है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति है 15.2, तो आपको याद रखना है सी ऑप्शन है इसमें, गलत 72। 73 मध्य प्रदेश के संबंध में गलत तथ्य है, तो 73 का डी है, शीर्ष गेहूं उत्पादक जिला हरदा है, ये गलत है। प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष जिला इंदौर है। शीर्ष धान उत्पादक जिला बालाघाट है। शीर्ष चना उत्पादक जिला विदिशा है। अब 74वां क्वेश्चन है, फसल व शीर्ष उत्पादक जिलों की जोड़ी में असंगत है, तो 74 कपास खरगोन सही है, खरगोन सोयाबीन उज्जैन ये सही है, गन्ना गलत है, बैतूल मक्का छिंदवाड़ा से संबंधित है सही है। 75वां क्वेश्चन, 74 का सी है, याद रखना 75। मध्य प्रदेश के खेल स्टेडियम और उसके स्थान असंगत को छंटी, तो ऐसबाग 75, ऐसबाग भोपाल में है, जबलपुर गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन है 75 का। नेहरू स्टेडियम इंदौर में, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में, तत्या टॉफी भोपाल में, ठीक है, ये ऑप्शन है याद रखिए 75 का। 76 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है?
तो आपको याद रखना है 76 का बी ऑप्शन सही है, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। 77 सिविल अधिकार अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होगा? तो आपको याद रखना है उपयुक्त सभी निदेशक, निदेशक प्रबंधक सचिव सभी होंगे। ठीक, 77 का डी है। 78 का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना की अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? तो आपको याद रखना है राज्य सरकार को। 78 का है बी। 69 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड है? तो आपको याद रखना 79 का भी है, 6 मार्च। 80 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो याद रखिए 80 लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है। 81 राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में कौन निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो आपको याद रखना है 81 का बी, नियुक्ति राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिए नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, बी ऑप्शन है इसमें 81 में। ठीक, और हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। बात करते हैं 82 क्वेश्चन की, कौन सा 82 नंबर का। मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आपको याद रखना है बैतूल। मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ? तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था, तो पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को, वो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। याद रखिए 83 का सी ऑप्शन सही है। फिर हमारा मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? तो 84 का है ए, 70.8 प्रतिशत। फिर 85 मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो आपको याद रखना है कितना है, कहाँ है ए, मंडला में। अब एक बात आपको याद रखना है, आपको बता दें 2019 की बता रहा हूँ सब, तो इस यहाँ दिया गया है 21.50 लाख, 81.50 लाख है। ठीक, इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं। कुआ एवं नलकूप से 66.48%, इसमें से नहर एवं तालाब में 21.12 और अन्य है 12.40। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है 87, 87 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में फींग की खेती किस जिले में होती है? तो आपको याद रखना है सी, मंदसौर में। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है? तो आपको याद रखना है 88 का ए, 72.4। फिर जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला है? तो आपको याद रखना है 89 डी, बालाघाट। नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो याद रखिए सतपुड़ा विंध्याचल, सी ऑप्शन सही है। नर्मदा घाटी उदाहरण है, तो याद रखिए ध्रंस घाटी का। फिर अपना 52वां, वीर सिंहपुर जल विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में है? तो 52 का रखिए, 52 का ए ऑप्शन उमरिया। मध्य प्रदेश में मलाजखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है आपको तांबा के लिए। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण कराया? तो आपको याद रखना है चंदेलों, सी ऑप्शन है। 95 मध्य प्रदेश
प्रतिवर्ष निवाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपको याद रखना है महेश्वर में। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो आपको याद रखना है मुड़िया से। अगला है 97वां, तानसेन संबंध 2014 निम्न में से किसे प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है प्रभाकर कारेकर। कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो याद रखिए धर्मवीर नहीं है, शरद जोशी है, प्रभाकर माचवी है, रविशंकर परसाई, ये सभी हैं, धर्मवीर नहीं है। 99वां, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए बी बघेलखंड। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है? तो आपको याद रखना है ओरछा। मध्य प्रदेश का महालेखा लेखाकार कार्यालय निम्नांकित में से किस शहर में है? तो आपको याद रखना है बी ग्वालियर में। आर सी बी पी नरोनहा प्रशासनिक अकादमी किस शहर में है? तो आपको याद रखना है भोपाल में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध आसंगे और समनीय है। डी ऑप्शन है 103 का, याद रखना, सॉरी 103 का डी ऑप्शन है सही है, आसंगे समनीय। फिर 104 महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, तो आपको याद रखना है ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर में। 104 का है डी। इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? 105 ए भोजपुरी। इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? भोजपुरी। ब्रजभाषा मालवी निवाड़ी है, भोजपुरी नहीं है। 106वां, भीमगौट भीम बैठका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो आपको याद रखना है यह अब्दुल्लागंज रायसन में। 107वां है, मध्य भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो याद रखना है 107 का गौड़ है। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो आपको याद रखना है रामतनु पांडे। 109 देवास प्रसिद्ध है, देवास प्रसिद्ध है, देवास प्रसिद्ध का एक लिए है, तो याद रखना है करेंसी नोट की छपाई के लिए, सी ऑप्शन है। इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है 22 मई 1955। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230, ठीक है, 111 का ए ऑप्शन। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध हैं? तो इसका असमय है, असंगे है सर, तो इसमें कोई देख लेना, इसका क्लियर मुझे भी पता नहीं है, इसलिए गलत नहीं बचा सकते हैं, शायद असंगे है, लेकिन देख लेना आप 112 क्वेश्चन को देख लेना एक बार, डिसाइड कर लेना, इनमें से कोई नहीं है, ठीक। 13 है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 नवासी के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार की समिति से न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है? 113 बी ऑप्शन सही है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। फिर 114 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णता निषिद्ध है? तो आपको याद रखना है गिरफ्तारी पूर्व जमानत। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? तो आपको याद रखना है 115 का है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी, दुष्प्रेरण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य, डी ऑप्शन है 115 का। 116 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो 116 का रखना है सामूहिक जुर्माना आरोपित करना, व्यक्ति को हटाना कर सकता है, संपत्ति का संग्रहण कर सकता है, व्यक्ति का माप लिया जा सकता है, सामूहिक जुर्माना आरोपित नहीं कर सकता, ठीक है। 116 का क्या है डी। 117
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के दिन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो रैंक से कम ना हो। तो याद रखिए उप अधीक्षक, उप अधीक्षक 118 है। न्यायालय आधारित उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पष्टता के आधार पर किया गया है यदि ऐसा अपराध है कि संबंध में किया जाता है। तो याद रखिए 118 का है ए अनुसूचित जाति के सदस्य। फिर है हमारा 119 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन अभियुक्त अपने बचाव में अभिभावक नहीं ले सकता है। इसका भी क्लियर पता नहीं है, ठीक देख सकते हैं आप कहीं अगर मिल जाए तो, क्योंकि गलत मैं नहीं बता सकता हूँ। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कुल कितने अनुच्छेद हैं इसमें, तो आपको याद रखना है 30। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, तो आपको याद रखना है 2 से 3 दिसंबर 1984 को, ठीक। तो ये थे हमारे 121 के लगभग क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है क्या क्या याद रखना है कि हम लोग पूरा सामान ज्ञान देख चुके हैं मध्य प्रदेश से संबंधित, फिर एक्ट भी देख चुके हैं 1993 का मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, एस टी एफ सी एक्ट 1988, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, और 3 प्रश्नमाला देख चुके हैं अभ्यास 1 2 3, ये तीसरी थी, ठीक है।